दोस्तों इस वीडियो पे मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत आने वाले आरएमसी यानी कि रेडिएशन मेडिसिन सेंटर की तरफ से आप सभी लोग के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट बी की वैकेंसियाँ आई हुई हैं, इसके बारे पे मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो वैकेंसी आई है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, यहाँ से टोटल दो पोस्ट आई हुई है। कितनी पोस्ट आई हुई है दोस्तों? दो पोस्ट आई हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पे किसकी वैकेंसी आई हुई है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी की वैकेंसी आई हुई है। कितनी वैकेंसी आई हुई है? दो वैकेंसी आई हुई है। क्वालिफिकेशन जिसका क्या है, यदि आपने बीएससी केमिस्ट्री से किया है और उसमें आपके 60% मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं, या फिर आपने बीएससी प्लेन किया है जैसे कि जिसमें पीसीएम होता है उसमें आपके केमिस्ट्री में 60% मार्क्स थे ना तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ का एडमिशन मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों? रेडियो फार्मेसी लैब का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आपके यहाँ पे जो सैलरी रहेगी कितनी रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है 19,502 रुपये पर मंथ, साथ ही साथ आपको DA भी मिलेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ये जो वैकेंसी आई है ना, ये वैकेंसी टेम्परेरी पीरियड के लिए है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस ये वाली वैकेंसियाँ आई हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 89 डेज वर्क कर सकते हैं, यानी कि ठीक है 89 डेज के लिए ये वाली वैकेंसियाँ आई हुई है, यानी कि आप 89 दिन तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, इस तरह से आपकी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और आपकी यहाँ पे जो पोस्टिंग होगी ना, टेम्परेरी तौर पे आपकी यहाँ पे पोस्टिंग होगी, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों यदि आपकी एज 50 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, आपका जो इंटरव्यू होगा ना, इंटरव्यू की जो डेट वगैरह रहेगी आपको ईमेल के माध्यम से बता दी जाएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप जब आपके यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप इसका अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12 सितंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ना, तो मैं इसके PDF आपको अपनी टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूँगा या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। ये वाले जो फॉर्म आया है ना, इसको आपको ऑफलाइन यानी कि ऑफलाइन इनका प्रिंटआउट निकलवाना है, इसके बाद उस फॉर्म को फिलअप करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, मैं आपको दिखला देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा हुआ है, इसी एड्रेस पे आपको वहाँ सेंड कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, आप सभी सारी चीज़ वहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत जो आरएमसी वैकेंसी है ना, वहाँ से आपको कांटेक्ट करेंगे ईमेल के माध्यम से कि आपका इंटरव्यू इस तारीख को है, आपको इस तारीख को आना है, ठीक है। इस तरह से कुछ रहेगा दोस्तों, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आपका जो फॉर्म रहेगा किस तरह से रहेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का आपका फॉर्म रहेगा, यह वाला फॉर्म इसी PDF के साथ अटैच रहेगा। तो आप इस फॉर्म को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप इसे अच्छी तरह से फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने आपको जो एड्रेस बताया था उसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है, आप यहाँ पे देख सकती हैं, यहाँ पे एड्रेस भी विधिवत बताया गया है, इसी एड्रेस पर आपको सेंड करना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो वो रहेगा ना, आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह रहेंगे, आपको वहाँ पर हार्ड कापी यानी कि फोटो कापी के रूप में भेजना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट हो ना, तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।